श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं लता जंगेल सीजी व्लॉगर लता अरुण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाराज जी के बताए अनुसार पूरे सावन भर हमें शिव जी में क्या चढ़ाना चाहिए, पूजन विधि क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो घर हो या मंदिर हो, सबसे पहले जल अर्पित करना है। उसके बाद आप या तो 108 काली मिर्च चढ़ा सकते हैं, या तो आप 108 काला तिल चढ़ा सकते हैं, या तो आप अक्षत जो चावल है वो 108 चढ़ा सकते हैं, या तो आप मूंग का दाना 108 चढ़ा सकते हैं, और आप पुष्प भी 108 चढ़ा सकते हैं। अगर आपको पुष्प भी नहीं मिलेगा, फूल कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप फूल की पत्तियां भी चढ़ा सकते हैं 108। तो आज मैं 108 मूंग का दाना चढ़ाने वाली हूँ। इसे चढ़ाते समय हमें नमः शिवाय का जाप करते रहना है और चढ़ाते रहना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है और चढ़ा देना है। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में मूंग चढ़ा रहे हैं तो पूरे सावन भर ये मूंग ही चढ़ाना है। आप डेली अलग अलग चीज़ें चढ़ा सकते हैं, चाहे चावल हो, फूल हो, तिल हो, काली मिर्च हो या मूंग हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे शिवलिंग में चढ़ा सकते हैं, आप अर्पित कर सकते हैं उन चीज़ों को जो चीज़ें आपके पास हैं। चावल चढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि चावल जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए, चावल बिल्कुल खड़े खड़े होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। हो सके तो आप इसे रात में ही चुनकर अलग से इसे रख लें और चढ़ा दें। अगर 108 आप चुन नहीं सकते या 108 कुछ भी चीज़ें नहीं चढ़ा सकते हो, तो आप सिर्फ एक एक दाना भी चढ़ा सकते हैं। हमारे भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, हमारी सभी जो पूजन विधि है वो स्वीकार करेंगे। तो चलिए पूजन अर्पण कर लेते हैं। महाराज जी बताए हैं कि पूरे सावन भर हमें दो लोटा जल से एक साथ दोनों हाथों में दोनों लोटा लेना है और एक साथ हमें जल अर्पित करते रहना है। नमः शिवाय मंत्र बोलकर जल अर्पित करते रहना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल अर्पित करते रहना है। उसके बाद जल अर्पित करने के बाद हम टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर पीला चंदन, लाल चंदन और गुलाल से त्रिकुंड बना लेना है। जब आप शिवजी में जो त्रिकुंड बनाते हैं वो अपने माथे में ऐसे त्रिकुंड बना लें। उसके बाद जो आपको चढ़ाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मूंग का दाना चढ़ा रही हूँ, ये 108 मूंग का दाना है, उसे हम शिव जी के ऊपर चढ़ा देंगे। तो इसे भी चढ़ाते समय नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही चढ़ाना है और प्रणाम कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।